दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे दूसरे वेसल से अपने बार्ज पे कार्गो रिसीव करते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कार्गो में क्या रहता होगा। भाई, कार्गो में वेल से रिलेटेड जो भी मटेरियल रखते हैं वो होता है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि अभी मैं जिस बार्ज पे हूँ उसका काम है वेल सर्विसिंग का। वेल सर्विसिंग का काम हम लोग नहीं करते, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, आरामको पार्टी। जैसा कि आपको पता होगा कि आरामको वर्ल्ड की टॉप थर्ड कंपनी में से आती है। जिनको नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, टॉप थर्ड कंपनी में आरामको है। तो वही ये काम ऑपरेट करता है वेल सर्विसिंग का। तो उससे भी जुड़े जो भी सामान होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, उसी को हम लोग कार्गो बोलते हैं। तो वो कार्गो हम लोग कैसे दूसरे वेसल से अपने बार्ज पे रिसीव करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वेसल से कार्गो रिसीव करने वाले हैं। कार्गो में क्या है मैं ये आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप इस वेसल का नेम देख लो, जाना टू वन। आप एक बार और अच्छे से इस वेसल को देख लो। आपके लिए मैं वापस लेके जाता हूँ कैमरा। ये देखो, ऐसा कुछ दिखता है वेसल। ये देखो दोस्तों, पीछे से आगे की तरफ ये पूरा वेसल देख लिया कैसा होता है। और दोस्तों ये देखो, प्रोपेलर इसका कितना तेज नच रहा होगा, आरपीएम कितना होगा इसका। दोस्तों ये जो डेक पे आपको बॉक्स दिख रहा है, यही हमारा कार्गो है जिसको हम लोग रिसीव करने वाले हैं क्रेन से। तो दोस्तों ये है हमारे क्रेन का वायर। एक देखो, क्रेन का बूम हो गया। अभी ये लोग सिक्योर कर रहे हैं बॉक्स को सिक्योर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रेन से बॉक्स को लिफ्ट करेंगे, अपने डेक पे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा फिनिश। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।